उत्तर प्रदेश चुनाव में MIM पार्टी के उम्मीदवारों का बेसब्री से लिस्ट का इंतजार। आज आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम हो सकते हैं जेल से रिहाई। उत्तर प्रदेश से कई बड़ी खबरें आ रही है, जहां पर समाजवादी पार्टी अभी खेमे में काफी खलबली है और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी इस वक्त छोटे छोटे दलों को गठबंधन में ले रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वहां पर अपने गठबंधन में शामिल नहीं किए हैं। अब वहां पर मुस्लिम मतदाताओं पर निर्भर है कि उत्तर प्रदेश का समीकरण और खेल क्या करेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश चुनाव में मुस्लिम मतदाता अभी चुनावी खेल को बहुत बेहतरीन अंदाज से देख रहा है। कई दिनों से लगातार वहां पर पार्टी में जोड़ तोड़ चल रहा है, इस्तीफा का दौर चल रहा था, लेकिन सभी जो है उत्तर प्रदेश की मतदाता इन रणनीति को देख रहा है कि वहां पर जो है इस वक्त BJP से लोग समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं और इस दल के लोग उस दल में जाते हैं, लेकिन सभी की निगाहें मजलिस पर है, क्योंकि मजलिस वहां पर लोग कहते हैं कि वोट को तकसीम करने आ रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश की इस जो है चुनावी अखाड़े को बेहतरीन अंदाज से देख रहे हैं कि एक तरफ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को गठबंधन में लेने से वो इनकार कर रहे हैं, तो वहीं अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के छोटे छोटे दल को अब अपने संगठन गठबंधन में शामिल कर रहे हैं। लेकिन कई बातें वहां पर आम लोगों में इस वक्त चर्चा है और मौजूद बहस है, और खास तौर पर मुस्लिम संगठन ने वहां पर असदुद्दीन ओवैसी साहब को पत्र लिखा और यह पत्र आम लोगों में मौजूद बहस था। लेकिन इसी वक्त मुस्लिम मतदाताओं पर सबकी निगाहें हैं, चाहे वह समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाजवादी पार्टी हो, या कांग्रेस हो, या आम आदमी पार्टी हो, लेकिन और किसी दल को वहां पर वोट बिखारने का खत नहीं लिखा गया है। लेकिन आप साफ तौर पर कहना है कि उत्तर प्रदेश चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी MIM को लेकर सभी को बेचैनी क्यों आ गई है। बहरहाल जिस तरह से मुसलमानों में कयादत और मुसलमानों की लीडरशिप और बदलाव के मुद्दे पर लगातार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब वहां पर काम कर रहे हैं और अपने संगठन को काफी मजबूत किए हुए हैं, लेकिन इस वक्त जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर मुसलमान उलेमाओं का भी नजर पड़ गया है, और खास तौर पर वो सिर्फ ये चाहते हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी वहां पर उम्मीदवार उतारे जहां पर वो जीत सके। तो दिगर और भी वहां पर पार्टियां हैं, जिस तरह से कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है और दिगर पार्टी है, उनके तरफ कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पर निगाहें टिकी हुई है। बहरहाल उत्तर प्रदेश की जनता सब देख रही है किनके साथ गठबंधन कर रहा है वो देख रही है, किनको टिकट दिया जा रहा है वो देख रही है। पूरा उत्तर प्रदेश की जनता इस वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और तमाम पार्टियों को देख रहा है, लेकिन जो नतीजे आएंगे उत्तर प्रदेश का वो चौंकाने वाले आएंगे। जिस तरह से वहां पर TV चैनल का रिपोर्ट ने साफ तौर पर खुलासा किया था कि वहां के मुसलमानों का जो पसंदीदा पार्टी MIM बनकर उभरी है और इस पर वोट का जो है तब्दील कैसे हो, वोट के रूप में बदले कैसे, इसको लेकर वहां पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी खुद रणनीति तैयार कर रहे हैं। पहले चरण का भी अभी फहरिस्त तैयार नहीं हुआ है, क्योंकि लगातार जो MIM के आवेदन दे रहे हैं वहां के प्रत्याशी के रूप में कई लोग, अब उनको चिन्हित और करना है कि बेहतर प्रत्याशी कौन होगा। फिलहाल जो है उत्तर प्रदेश का गहमागहमी माहौल में जनता एक तरफ है, उत्तर प्रदेश का खेल एक तरफ खेला जा रहा है, सभी दल जोड़ तोड़ में लगे हैं और साथ ही साथ इस वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर सारे लोगों की निगाहें हैं। जैसा देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तरफ लोगों का रुझान है, यकीनन है कि वहां पर कहीं ना कहीं मजलिस जो है तीसरा फ्रंट के रूप में उभरेगी। इस वक्त जो है मजलिस के MIM के प्रवक्ता सैयद असीम उकार का साफ तौर पर कहना है कि इस बार जो है कहीं ना कहीं जो भी पार्टी सरकार बनाएगी तो मजलिस के समर्थन पे सरकार बनाएगी, और खास तौर पर यही देखना है कि अब जो है आने वाले जो है विधानसभा चुनाव के बाद जब सरकार बनाने के बारी आता है तो वहां की जनता क्या फैसला करती है। ये तो आपको बता दें कि इस वक्त जो है मजलिस के आने से लगातार उत्तर प्रदेश चुनाव सुर्खियों में है, और साथ ही साथ जो है
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लेकर चाहे तो गुजरात में हो चाहे दिल्ली में हो विधानसभा चुनाव की तैयारी में भी है। इसी वजह से मजलिस उत्तर प्रदेश पर ज़्यादा फोकस कर रहा है और साथ ही साथ जो है जो बड़ी खबरें आ रही है आज़म खान के बेटे अब रिहा होने की खबरें आ रही है उनके बाद जो है क्या समीकरण बनेगा वो किस दल में जाएंगे क्या इस बार चुनाव लड़ेंगे बहुत सारी बातें आ रही है। बताते चले इस वक्त लगातार आजम खान का मुद्दा हो अतीक अहमद का मुद्दा हो ये सुर्खियों में है और वहां पर मुस्लिम मतदाताओं का निगाह है एमआईएम पर है तो दिगर सियासी पार्टियों और मुस्लिम तंजीमों का निगाह है एमआईएम पर है। अब एमआईएम यहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो यहां पर मजबूत हो रही है तो कहीं ना कहीं इसको कमजोर करने के लिए बहुत प्रयास रचेंगे लेकिन लोगों का जहन में है कि इस बार जो वहां पर हर बार जो वहां पर उत्तर प्रदेश में वोट जो है बीजेपी को रोकने के लिए मुसलमानों ने किया है और ख़ास तौर पर वहां पर सरकार बनाने को लेकर किया है लेकिन उत्तर प्रदेश में इस बार जो लेगा उत्तर प्रदेश में जिस तरह से देखा जा रहा है कि इस बार बदलाव के रूप में होगा। बहरहाल उत्तर प्रदेश में लगातार सुर्खियों पर है और एमआईएम के उम्मीदवारों का फहरिस्त का लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वहां पर जो है किन किन विधानसभा से कौन उम्मीदवार देंगे। फिलहाल बताते चलें कि सहारनपुर मुरादाबाद संभल बरेली प्रयागराज फारुखाबाद इन विधानसभा सुर्खियों पर है जहां पर बड़े आवेदन हो पैमाने पर आवेदन आ रहे हैं और साथ ही साथ जो है अब वहां पर उम्मीदवारों का चयनित करना है क्योंकि एमआईएम पार्टी जब बिहार में थी वहां पर चुनाव लड़ रही थी तो कहीं ना कहीं यहां पर बहुत लेट हो रहा था फहरिस्त तैयार करने में चूँकि आवेदन बहुत आ रहे थे और ख़ासतौर पर चिन्हित करना था और विधानसभा वाइज जो है पकड़ किनका मजबूर है कौन से प्रत्याशी जो है जीत सकता है इनको लेकर बड़ी मंथन चल रहा था और ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश में भी हम देख रहे हैं कि कई दिनों से सारे लोगों का अपडेट आ रहा है लेकिन एमआईएम का अपडेट अब तक कुछ नहीं आ रहा है चूँकि पहले चरण का जो मतदान 10 फरवरी को होना है और साथ ही साथ वहां पर 100 सीटों पर चुनाव लड़ना है। बिहार में जिस तरह से यहाँ पर चुनाव लड़े थे तो वहाँ जो है उम्मीदवारों को चयनित करने के लिए बहुत से जो है दिक्कत आ रही थी जिस तरह से देखा जाए कि एक विधानसभा में अगर चार उम्मीदवार है चारों उम्मीदवार को जो है एक को सेलेक्ट करना बड़ा मुश्किल था और खासतौर पर पार्टी से कोई नाराज न हो ये लेकर के लगातार वहां पर जो है काम कर रहा। उसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी देखा जा रहा लगातार जो है लोगों की निगाहें हैं कि उत्तर प्रदेश में कब अपने उम्मीदवारों का ये एमआईएम फहरिस्त तैयार करेगा और लोग जानकारी के लिए परेशान हैं। लगातार अपडेट पाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं और ख़ास तौर पर वहाँ से कई लोगों में रابطे में हैं लेकिन कोई खुलासा नहीं हो रहा है लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता पूरा बेसब्री से एमआईएम के उम्मीदवारों का इंतज़ार कर रहे हैं। ख़ास तौर पर जो है